इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। जेएनयू के छात्र छात्र हैं या गुंडे? ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं? ये सवाल मैं आपको उठा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर हैं, आप सब उनसे वाकिफ हैं, मोनिका अरोड़ा जी, उन्होंने एक घटना की का जिक्र किया है। 1 नवंबर की आधी रात को हॉस्टल के वार्डन के घर पर 60 से 70 विद्यार्थी पहुंचे। वार्डन के 3 साल के बच्चे, उन्होंने 60 से 70 विद्यार्थी पहुंचे, दरवाजा खोलते ही उन्होंने वार्डन का घेराव कर लिया, उनके पूरे घर के बाग को, बगीचे को तहस नहस कर दिया। उनकी 6 साल की बेटी नींद से जगी, पिता का घेराव देखकर घबरा गई, रोने लगी, उल्टी करने लगी। दहशत में है ये पूरा परिवार, ये किस तरह का छात्र आंदोलन है? एक दूसरा कि ये जो 60-70 विद्यार्थी पहुंचे थे, वार्डन का रिकॉर्ड 3 साल का बच्चा था, उसके बच्चे को, वार्डन के बच्चे को इन छात्रों ने गोद से छीन लिया और वार्डन से बोला, वार्डन ने कहा इन छात्रों को कि मेरे बच्चों को नीचे उतारो, आप नीचे उतारिए। इन्होंने मुंबई के किसी गुंडे भाई की भाषा में जेएनयू के इन छात्रों ने जवाब दिया, जवाब सुनिए, आपका बच्चा हमारे पास सेफ है, हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ साइन कीजिए, बच्चा सुरक्षित मिल जाएगा। वार्डन ने डर कर साइन कर दिया। ये जेएनयू के अंदर भाईगिरी है, गुंडागिरी है, ये छात्र आंदोलन है, या फिर ये मुंबई का भाईगिरी है, गुंडागिरी? ये वार्डन के अंदर के घर में घुसकर उसके 3 साल के बच्चों को किडनैप किया एक तरह से, और कहा कि वार्डन अब हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ साइन कीजिए वरना बच्चा नहीं मिलेगा। ये साफ साफ जेएनयू की गुंडागर्दी है, जो भारत के मेहनती टैक्स पेयर के पैसे पर पल रहे हैं पिस्सू और भारत की जनता का ही खून पी रहे हैं। और ये गुंडागर्दी आप सबने देखा है कि कब, जब जी टीवी के पत्रकार गई तो उसे घेर कर उसके साथ मिसबिहेव किया गया, एक प्रोफेसर जेएनयू के ही महिला प्रोफेसर का कपड़ा फाड़ा गया, और अब वार्डन के छोटे से 3 साल के बच्चों का किडनैप किया गया। ये जेएनयू का गुंडा लफंगा ब्रिगेड किसी भी रूप में छात्र कहलाने के योग्य नहीं है, और इसकी जितनी भी आलोचना की जानी चाहिए वो कम ही है। इन गुंडों को जनता का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं।